हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गालियान मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कोरोमंडल के फैंटिक प्लस से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं कि क्या इसके अंदर इंडिगेट पाए जाते हैं और जो कौन कौन से ऑर्गेनिक वे फसल में के काम अंदर आप इसे करता यूज भाई, कर सकते हो, क्या इसका प्राइस है कंपनी भी तो और कितनी क्या ब्रांडेड इसके है यार। लगाने के बेनिफिट होते हैं। इन सभी से जुड़ी हुई जानकारी ओके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके और इस जैसी जानकारी आपसे कभी भी मिस ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो फैंटिक प्लस है कोरोमंडल कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, और साथ में बात करें इसके अंदर जो इंडिकेट होते हैं वो होते हैं इसके अंदर अमीनो एसिड, विटामिन, एल्जाइम और प्रोटीन्स। देखिए, जो अमीनो एसिड और जो एल्जाइम है वो प्लांट की अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि बात करें आप इसे जैसे वेजिटेटिव स्टेज में आप इसको अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं, जो ये फेंटिक प्लस इसको यूज करते हैं। जो ऑर्गेनिक अमीनो वे में काम करता है भाई, कंपनी वेजिटेटिव स्टेज वो होती है बाल भी अवस्था, तो कितनी जिसके अंदर ब्रांडेड है प्लांट यार काफ़ी छोटा होता है। पागले। तो उस समय जब इसको यूज़ करते हो तो उस समय आपके पौधे का ये जड़ों का विकास करता है, साथ साथ में पौधे का विकास करता है, और साथ साथ में अंदर जो ब्रांचित है वो भी ज़्यादा हो जाती है। साथ में बोले तो टहनियाँ भी, इसके टहनियों का भी विकास इससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका पौधे को और साथ साथ में अपने पौधे को न्यूट्रेंट पहुँचाने का भी काम करता है, यानी उसको जो खाना है खाना बनवाने में भी मदद करता है, जो उसको न्यूट्रेंट है वो भी पहुँचाने का ये काम करता है। और आपके जो पौधा है उसके अंदर एक जान लाने का भी जो ये काम ऑर्गेनिक वे करता में है। काम और करता है बात भाई, करते हैं कंपनी इसको, देखिए जब हम फ्लावरिंग स्टेज में प्रयोग भी तो करते हैं कितनी तो उसके ब्रांडेड उस है समय यार इसका क्या बेनिफिट होता है। देखिए, जब एक दो फूल आ पागले। जाता है प्लांट के अंदर तो इसका जब इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय आपके फूलों की संख्या है वो दुगनी हो जाती है, साथ साथ में आपके जो फूल हैं वो झड़ने भी कम हो जाते हैं। और जो फ्लावरिंग स्टेज में जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद में जो फ्रूटिंग स्टेज में हमें काफ़ी असर देखने को मिलता है कि आपका जो फ्रूट का साइज़ है वो टेढ़ा मेढ़ा ना होकर एक परफेक्ट साइज होता है, और साथ में फलों का आकार भी सही होता है, उनके अंदर भार भी ज़्यादा होता है, और उसके अंदर एक चमक लाने का भी ये काम करता है, जिसके कारण आपका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, दुगना उत्पादन मिलता है इसके कारण आपका। और बात करें इसके प्राइस की, जो 200 ml जो का ऑर्गेनिक प्राइस है वे वो में काम कंपनी करता है चार सौ भाई, तीस रुपये हमें देखने को मिलते हैं, कंपनी भी तो यानी कितनी देती ब्रांडेड है, है लेकिन ये आपके अंदर ये मार्केट के अंदर आपको 250 से पागले। लेकर 300 रुपये के लगभग ये आपको अवेलेबल हो जाता है। और देखिए, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का मुख्य रूप से काम ये होता है कि जड़ों का विकास करता है और पौधे का भी विकास करता है। ये हालांकि पौधे की आवश्यकता इसके अंदर कम होती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक बेस पर काम करता है, जिसके कारण आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, उससे हमेशा फ़ायदा ही फायदा होता है। और ये आपके पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, जिसके कारण आपके पौधे में रोग हैं वो काफ़ी कम लगते हैं। इसका मुख्य रूप से प्रयोग है सब्जियों और फलों के प्रयोग किया जाता है, जैसे कि घिया, भिंडी, तोरी, टमाटर, मिर्च, जो ऑर्गेनिक शिमला वे में मिर्च, काम इन करता है सभी भाई, फसलों के अंदर आप इसका प्रयोग किया जाता है। साथ कंपनी भी साथ तो में कितनी आप ब्रांडेड फ्रूट का भी है यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पागले। सेब, अनार, अमरूद, इन जैसी फसलों पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। मुख्य रूप से इसका सभी फसलों के अंदर आप प्रयोग कर सकते हो, और इसके कारण फूल हैं वो भी कम झड़ते हैं, और साथ साथ में आप इसे दलहनवर्गीय फसलों में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि दाल, मूंग, हर इन जैसी फसलों में भी आप इसे प्रयोग कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसे आप बेझिझक यूज कर सकते हो। और साथ में बात करें तो आप इसे हर एक स्टेज में यूज कर सकते हो, मतलब है वेजिटेटिव स्टेज में भी, फ्रूटिंग स्टेज में भी, और जो फ्लावरिंग स्टेज ऑर्गेनिक में वे भी में आप काम इसे करता है प्रयोग कर भाई, कंपनी सकते हो। माने तो जब ये आपकी बाल भी तो अवस्था कितनी आपके पौधे ब्रांडेड के जब है छोटा था उस समय भी यूज कर सकते हो, जब उस पर फूल पागले। आना शुरू हो जाता है तब भी कर सकते हो, जब फ्रूट आना स्टार्ट होते हैं तब भी उसको आप यूज कर सकते हो। और बात करें इसकी तो आप इसे किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में यूज कर सकते हो, किसी भी फंगिसाइड के साथ में मिलाकर यूज कर सकते हो, उससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है। और मुख्य रूप से इसका काम है वो आपके पौधे का वो न्यूट्रेंट वगैरह और जो न्यूट्रेंट वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करता है, साथ साथ में जो आपके पौधे के अंदर जो पोषक तत्व है उनकी कमी को भी दूर करने का ये काम करता है, जिसके कारण आपके पौधे के अंदर चमक आती है और आपके फ्रूटिंग है वो भी ज़्यादा होती है, और साथ साथ में आपकी पैदावार भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू से पूछ सकते हो, बेझिझक हम उसका जवाब जरूर देंगे। और आप एक जो 15 लीटर की
टंकी की 16 लीटर की टंकी की डोज बताएं तो उसके अंदर आप 20 ml पर टंकी के हिसाब से यूज कर सकते हो। और एक एकड़ की डोज है जो वो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 180 से लेकर 200 लीटर पानी के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।